अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ ज़ायक़े में। नाज़रीन, आज मुन्ने भाई बना रहे हैं ग्रीन चिकन, तो आइए देखते हैं ग्रीन चिकन बनाने के लिए यहाँ हमें किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। यहाँ आप मसाले नोट डाउन कर लीजिए ग्रीन चिकन बनाने के लिए। देखिए, दो प्याज हैं, ये बड़ी, दो बड़ी प्याज बारीक पीस ली है। ये हरी मिर्च है 100 ग्राम, 100 ग्राम हरी मिर्च ली है और उसका पेस्ट बना लिया है। ये 1.5 चम्मच लहसुन है और 1 चम्मच अदरक बड़ा। लहसुन पेस्ट 1.5 चम्मच है, अदरक 1 चम्मच, ये दोनों बड़े चम्मच के नाप से हमने लिए हैं। नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, यहाँ नमक हमने 1.5 चम्मच लिया है, 1.5 चाय का चम्मच। लौंग, इलायची, हाँ 1 चाय का चम्मच भर के यहाँ हमने हरी इलायची ली है और इसका मुंह जो है वो ओपन कर देना है, और 1 चाय का चम्मच भर के यहाँ हमने ली है लौंग। ये इलायची पाउडर, इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के लिया हुआ है। ये 2 मुट्ठी, 2 मुट्ठी भर के आप हरा धनिया ले लें, ये पत्ते हैं तो काफी भर के हमने 2 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, इसको कट करके बाद में शामिल करेंगे। ये आ गया काजू, आप छोड़ दीजिए, ये है 2 बड़े चम्मच काजू का पाउडर। 2 चम्मच मींग, 2 चम्मच यहाँ पर हमने तरबूज की मींग ली है, वाटरमेलन सीड जिसको कहते हैं ये वो है, इसका भी पाउडर कर लिया है। ये 2 चम्मच बड़े नारियल पाउडर, नारियल का पाउडर 2 बड़े चम्मच। 1 पाव क्रीम, ये 250 ग्राम की अमूल की फ्रेश क्रीम है, इसमें जितनी जरूरत लगेगी उतनी इसमें शामिल की जाएगी। 1 पाव दही, दही है 250 ग्राम लीजिए। ग्रीन, ये ग्रीन कलर लिया है ग्रीन चिकन बनाने के लिए, तो ये तकरीबन 1/2 चम्मच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कलर के हिसाब से लिया है, तो ये आपको बाद में बता देंगे। और इसमें जो दही लिया है 1/2 किलो, वो दही इसमें डाल के अच्छे से फेंट लेंगे। 1 किलो का हम चिकन बना रहे हैं यहाँ पर। केवड़ा एसेंस भी बताइए, छोटा चम्मच केवड़ा, 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे केवड़ा, ये देखें आप अजंता का है, ये रखिए। और कलर भी दिखा दीजिए यहाँ आपने कौन सा कलर लिया, ये यहीं का है रामपुर का, हाँ ये रामपुर का ही है कलर, फूड कलर है ये, ग्रीन कलर, ब्राइट ग्रीन कलर, ये आप देख सकते हैं ब्राइट ग्रीन कलर। एक चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस जो हमने कलर घोल कर रखा है ग्रीन कलर, उसमें शामिल कर रहे हैं। 2 या 3 टेबलस्पून पानी में कलर घोल लिया है, और कलर को बहुत अच्छे से घोलें, वो नीचे थोड़ा सा जम जाता है। अब इसमें दही शामिल कर देंगे, इसको रई की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। फ्लेम चालू कर ली है और अब इसमें ऑयल शामिल कर रहे हैं, ऑयल तकरीबन 2.5 से 3 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। सुनने भाई, ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये ऑयल नहीं खाते हैं, घी भी नहीं खाते हैं, तो सरसों का तेल में बनाते हैं, बन जाएगा सरसों के तेल में भी, तो उसमें भी जायका अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, तो सरसों के तेल में भी इसको आप बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें 2 स्लाइस तकरीबन प्याज के डाल रहे हैं, 2 लच्छे प्याज के, और ये लौंग इलायची भी दिखा, और लौंग और इलायची डालेंगे। प्याज डालने का मकसद जो होता है मुन्ने भाई वो क्या होता है, ऑयल की महक चली जाती है, इसकी महक भी चली जाएगी, घी बन जाएगा, अच्छा हो गया, अच्छा हो के ऑयल जो है वो बहुत अच्छे फ्लेवर का हो जाएगा, इसलिए पहले उसमें प्याज शामिल की है थोड़ी सी। अब इसमें लौंग और इलायची डाल दी है, अब इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन का पेस्ट, लहसुन काफी थिक पिसा हुआ था तो थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया है, 1.5 बड़ा चम्मच लहसुन है, अब इसमें शामिल करेंगे चिकन जो 1 किलो है,
अब इसमें शामिल कर रहे हैं नमक। नमक हमने कम लिया है, नमक थोड़ा सा और भी चला जाएगा इसमें। अब दही और कलर जो मिक्स करके रखा है वो शामिल कर रहे हैं। तकरीबन इसमें जो इलायची पाउडर हमने एक चाय का चम्मच रखा था, पाव चम्मच उसमें से इलायची पाउडर भी इसमें मिक्स कर लिया है दही के अंदर। ये बहुत अच्छी सी खुशबू आती है बोटी जो है चिकन की, उसमें बहुत अच्छी महक जो है वो बस जाती है, इसलिए इसमें ये शामिल किया है। दही को एकदम क्लीन करके डाल रहे हैं, सब बर्तन में जो भी दही लगा है उसको अच्छे से क्लीन करके आप इसमें डाल दें। अच्छा मुन्ने भाई ये बताएं, बहुत सारे लोग ग्रीन चिकन बनाने में पालक भी डाल देते हैं। पालक में बन तो जाता है, लेकिन ये है कि वो फिर ये है उसका मजा आता है पालक गोश जैसा, पालक गोश का। अच्छा ग्रीन चिकन बनाने का तरीका यही है कि कलर डाला जाता है। हाँ यही है, पालक का रंग भी नहीं चढ़ेगा बोल्टी का। हाँ पालक का कलर भी नहीं चढ़ेगा, कलर तो डालना ही पड़ेगा, वो पालक गोश जैसा हो जाएगा। लेकिन मुन्ने भाई जिस तरह बता रहे हैं उस तरह आप बनाएं, बहुत जायकेदार ये ग्रीन चिकन बनने वाला है। अभी हमारी मिर्च रोक के डालना है, आधी डालना है हरी मिर्च का जो 100 ग्राम का पेस्ट बनाया था 100 ग्राम का, उसमें से अभी हाफ या थोड़ी सी और डालेंगे, अगर कम लगी तो फिर बढ़ा सकते हैं। मिर्च कभी कभी बहुत तेज हो जाती है तो हाथ रोककर ही डालें, क्योंकि कम को गुंजाइश रहती है। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है, प्याज और अदरक अभी शामिल नहीं की है, तो सबसे पहले हमने इसमें शामिल जो चीज़ें की हैं आपने वैसे ही इसमें शामिल करनी है। जिस तरह से मुन्ने भाई बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो चीज़ें आपकी बहुत जायकेदार बनेंगी। अभी चिकन को भुना ही जा रहा है, आपको पास से दिखाना चाहूंगी। कितना बेहतरीन और ग्रीन कलर आ रहा है इसमें आप देखें। 3 से 4 मिनट हुए हैं, चिकन अच्छे से पक रहा है और खुशबू भी इसमें बेहतरीन आ रही है, क्योंकि अभी सिर्फ इसमें हरी मिर्च डली है, इलायची और लौंग डली है और फ्लेवरफुल केवड़ा एसेंस के साथ डाला है। अब इसमें शामिल कर रहे हैं पिसी हुई प्याज और अदरक। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी आपने इसमें पानी शामिल नहीं किया है, पानी नहीं पड़ेगा, पानी नहीं डलेगा, तो इसको गलने के लिए भी पानी नहीं डलेगा, ऐसी गल जाएगा, ऐसी गलेगा। अगर हमें ग्रेवी करने के लिए पानी चाहिए होगा तो वो तो फिर बाद में डलेगा, बाद में डलेगा। बस अभी से अब हम अच्छे से भूनेंगे। इसकी आंच मध्यम है ना, इसी में गल जाएगा। अच्छा मीडियम फ्लेम पर बना रहे हैं तो ये इसी में ही अच्छे से गल जाएगा। चिकन को प्याज और अदरक के साथ पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। पहले हमने 5 मिनट पकाया है, 5 मिनट और बाद में पकाया है, 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर रहे हैं नारियल पाउडर, नारियल पाउडर, थोड़ी सी मेथी। अब इसमें मेथी शामिल की जा रही है, मेथी का आधी आधी मेथी शामिल की है, आधी रहने दी है, यानी 2 बड़े चम्मच बताया था तो 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा इसमें शामिल किया है। तो ये पूरी जाएगी कि नहीं या बचा लेंगे आप? ये तो सब आ जाएगी, सब आएगी। अच्छा आ जाएगी, सब आ जाएगी। तो ये थोड़ी जो रोकी है आपने वो बाद में डालेंगे या अभी डालेंगे? डाल देता हूँ अभी। अच्छा डाली दो, तो मेथी भी पूरी शामिल कर दी है। अब ये इसके बाद ये दिखाओ, नारियल पाउडर मिलने, नारियल पाउडर आपने डाल दिया। अब काजू और मींगे, अच्छा ये काजू का पाउडर भी डाल रहे हैं इसमें 2 बड़े चम्मच। ऐसे ही सूखा पीस लिया है और उसको इस तरह से शामिल कर रहे हैं। अब इसमें तरबूज की मींग डाल रहे हैं, यानी वाटरमेलन सीड, उसका भी पाउडर किया हुआ है
वो भी इसमें शामिल कर रहे हैं। ये काजू और मींगे जो हैं आप ग्रीन चिकन में डाल रहे हैं मुन्ने भाई जी, तो इससे इसमें टेस्ट में क्या फर्क आएगा? इसमें टेस्ट में सौंधापन भी आता है और इसकी ग्रेवी भी बनेगी। अच्छा, इन चीजों से ग्रेवी बनेगी, ग्रेवी में गाढ़ापन आएगा और सौंधापन आएगा। तो चिकन तो तकरीबन हमारा होने आया है, माशाल्लाह खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है इसमें से। मिर्च अभी रोककर ही डाली थी, जिस तरह हमने बताया था कि 100 ग्राम हरी मिर्च पीसी है तो आधी हरी मिर्च डाली है, क्योंकि तेजी जो है बहुत ज्यादा तेज हम नहीं खाते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद 50 ग्राम ही हरी मिर्च काफी रहेगी। 50 ग्राम तो मिर्च की तेजी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 50 ग्राम क्यों बाजी बाजी में रहती है, तो हल्की है बाजी, बड़ी तेज आ जाती है, 50 ग्राम का बता दो। ठीक है ठीक है, 50 ग्राम ही मिर्च डालें आप, वो मैंने बता दिया कि तेजी जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस थोड़ी सी और शामिल की है, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना, क्योंकि मिर्च तेज है इस वजह से हमने हाथ रोक कर ही डाला है, और नमक भी थोड़ा सा और जाएगा। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्या बचा है डालने के लिए मेरे भाई? इलायची पाउडर और हरा धनिया। हरा धनिया 3 मुट्ठी भर के है, उसको कट कर लेंगे बारीक और फिर इसमें शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर का ग्रीन चिकन बन के तैयार हुआ है। फर्स्ट क्लास, हाँ बहुत बेहतरीन इसमें कलर आया है, आप देखें। ये देखें, आप देख सकते हैं मुन्ने भाई, दिख रहा है कैमरे में एकदम फुल स्क्रीन पे दिख रहा है जी, बहुत बेहतरीन कलर आया है। अच्छा मुन्ने भाई, हमें ये बताइए, आपके बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ये पूछते हैं कि हम क्रीम अगर नहीं डालें तो क्या डालें फिर इसमें? इसमें आप दूध डाल सकती हो। अच्छा, अगर क्रीम नहीं डालना चाहें तो दूध डालें, तो 1 किलो चिकन में अगर जो क्रीम नहीं डालना चाहें तो कितना दूध डालें? 1 पाव पड़ जाएगा, यानी 250 ml, यानी आप दूध डाल सकते हैं इसमें, 1/2 लीटर जितना दूध शामिल करें। देखिए साहब, क्रीम का तो है इसका जोड़। अच्छा, वो एक मजबूरी है, अगर नहीं मिले तो आप दूध डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, क्रीम का बता रहे हैं कि इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, जोड़ है मतलब कॉम्बिनेशन जो है वो क्रीम का इसके साथ बहुत बेहतर जाता है, बहुत बेस्ट इसका टेस्ट बन के तैयार होगा। जो इस तरह की ग्रेवी होती है क्रीम और काजू और मींगो वाली, ये रोज रोज तो खाई नहीं जाती है, ओकेजनली खाई जाती हैं, तो इस तरह से कभी कभार बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा मुन्ने भाई, ये बताएं कि अगर क्रीम, कभी कभी क्या होता है घर की जो मलाई होती है जी, फ्रिज में रख के जमा कर लेते हैं और उसको एकदम फेंट के क्रीम जैसी बन जाती है, वो भी लग तो जाएगी? वो भी डाल सकते हैं ना, अगर क्रीम कोई नहीं डालना चाहे? डल जाएगी क्रीम। अच्छा, तो उस तरह से मलाई फेंट के मिक्सर में चला के वो भी डाल सकते हैं, और बढ़िया हो जाएगा, और बढ़िया हो जाएगा। तो ये आप इस तरह भी कर सकते हैं कि क्रीम अगर नहीं डालना चाहें तो आप इसमें घर की जमा की हुई मलाई जो फ्रीजर में जमा करते हैं उस मलाई को आप मिक्सर में पीस लें, पेस्ट बना लें और फिर इसमें शामिल करें, तो और आपका टेस्ट जो है सालन का और जायकेदार बनेगा। गल गया चिकन हमारा, गल चुका है, और अब इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर जो बचा के रखा था, वो सब इसमें शामिल कर देंगे। हरा धनिया एकदम बारीक कट करके इसमें शामिल करना है, हरे धनिया से इसका टेस्ट अलग तो नहीं हो जाएगा मुन्ने भाई? जोड़ है ना, हरा धनिया का भी इसमें कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इसमें शामिल कर रहे हैं क्रीम, और क्रीम को हमने एक कप में निकाल लिया है। अगर आप इस वक्त चाहें तो आधा दूध और आधी क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, यानी जो क्रीम हमने डाली है 250 ml, तो उसकी आप आधी क्रीम शामिल कर सकते हैं और आधा आप इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं, तो दोनों ही चीजों से आपके चिकन में सौंधापन आएगा। अब इसे कितनी देर पकाएंगे? वो भट गया है। एक उबाल आने देंगे, भटकी आ जाए मतलब, यानी एक उबाल आ जाए। मुन्ने भाई बहुत देसी तरीके से बात करते हैं, हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती हैं, तो पूरी साइड बाय साइड कॉमेंट्री मुझे चालू रखना पड़ती है, मुन्ने भाई हर चीज एक्सप्लेन करना पड़ती है, क्योंकि आपकी है देसी लैंग्वेज, हमारे व्यूअर्स बहुत सारे नहीं समझते हैं, जो रामपुर से बिलोंग करते हैं वो आपकी पूरी लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन बाहर शहरों के लोग नहीं समझ पाते हैं।
देखिए ग्रेवी कितनी बेहतरीन हो चुकी है इसकी। अच्छा, हरा धनिया कब शामिल करेंगे उबाल आने के बाद? में शामिल कर रहे हैं हरा धनिया, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है, चिकन में बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है, ये देखें आप पक रहा है। बस अब 2-3 मिनट और सालन हमारा रेडी है। सालन हमारा रेडी हो चुका है, अब इसे एक बाउल में सर्व कर रहे हैं। ग्रीन चिकन बनके रेडी है मुन्ने भाई स्टाइल का। अगर आपको ये पसंद आया है, इसकी रेसिपी पसंद आई है, तो आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।